एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स फाई गौरव में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट थ्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस जो जिनमें नंबर आसान होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जैसे सीजीएल मेंस में हो गया, आप प्रीवियस ईयर बुक में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैंने अपने से बनाया है। वहाँ पर मैंने पिछले सेशन की तरह है ये सेशन, लेकिन डिफिकल्ट लेवल है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने नंबर को बदल दिया। नंबर को बदल देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो एग्जाम में डिप्रेशन में आ जाएंगे, छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है हमें क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो एग्जाम हमें छोड़ देगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। चलिए आज की क्लास में आते हैं पहले क्वेश्चन भी। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने चार्ट आपको दिया था या जो पहला लेक्चर, हाँ ये लेक्चर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो परसेंटेज का पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें। पार्ट वन तो कंपलसरी है, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे, टाइम कम लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है ना, आज की क्लास आप देख लोगे तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी फ्रैक्शन वैल्यू की। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वहां पे अच्छे अच्छे फ्रैक्शन वैल्यू लिए हैं, और आगे भी ऐसे ही मैं लेता रहूंगा, ठीक है भाई। तो जैसे दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज 22 होल 2/9% मोर देन बी, बी इज 16 होल 2/3% लेस देन सी, एंड सी इज 12.5% मोर देन डी, देन डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए। हिंदी में अगर पढ़े तो कह रहा है ए बी से 22 से ही 2/9% अधिक है, बी सी से 16 से ही 2/3% कम है, सी डी से 12.5% अधिक है, तो डी ए से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 36 सेकंड का टाइम देता हूं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए कैसे होगा, 36 सेकंड में आना चाहिए भाई, 36 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चार लोग हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, चार लोग दिए हैं, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है। अब देखो चार लोग दिए हैं ए बी सी डी, हमें परसेंटेज वैल्यू दी गई है, कह रहा है कि ए जो है वो बी से 22 से ही 2/3% ज्यादा है, 22 से ही 2/3%, यहां मैं लिखता हूं 22 से ही 2/9%, अब ये ए बी से ज्यादा है, मोर है, मोर है, तो मैंने एरो ऊपर लगा दिया। अगला कह रहा है कि बी सी से 16 से ही 2/3% कम है, कम है तो एरो नीचे कर दिया। अगले में कह रहा है सी डी से 12.5% क्या है, 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है। तो देख लो भाई कैसे करेंगे, बात को समझना, जब भी यहां 100 नहीं मानेंगे, ये नंबर बेकार है, 100 नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/8, इतनी बात क्लियर है। अब देखो करेंगे क्या, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, बिना इनके काम नहीं होगा, बिना इनके काम नहीं होगा भाई, हम 100 नहीं मानेंगे। देखो हम 100 नहीं मानेंगे तो हम क्या मानेंगे, बात को समझना, मैं D को मान लूंगा ऐसी वैल्यू जो 9, 6, 8 से कट जाए, मतलब D को मैंने मान लिया 9 × 6 × 8, ये मैंने D को मान लिया, मान सकते हैं कि नहीं भाई, D को मैंने क्या मान लिया 9 × 6 × 8। अब कह रहा है C जो है वो D से 12.5% ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू 1/8, अगर डी 8 है तो ये 9 होगा, मतलब सी की जो वैल्यू आएगी वो 9/8 × डी, क्लियर है ना भाई, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो बी जो है वो सी से 16 से ही 2/3% कम है, 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, इसका मतलब अगर सी 6 होगा तो बी 5 होगा, इट मींस इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5/6 × सी, क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में ए पे आते हैं, ए जो है वो बी से
22 से ही 2/9% ज्यादा है, 22 से ही 2/9% की वैल्यू 2/9 अगर भी 9 होगा तो 9 और 2 कितना होगा, ज्यादा है 11 होगा, मतलब ये हो जाएगा 11/9 × b। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में हमसे ए और डी के बारे में पूछ रहा है, तो मैं ए और डी का रेशियो निकाल लूंगा, बात को समझना, ए और डी का रेशियो निकालूंगा। ए कितना है, देखो डी कितना है 9 × 6 × 8, ए कितना है 11/9 × b, बी कितना है, बी ये है, तो बी की जगह ये रखेंगे 5/6 × c, सी कितना है, सी ये है, मतलब 9/8 × क्या होगा, d की वैल्यू दिया है 9 × 6 × 8, तो देख लो ये कैंसिल, बड़ा ही बढ़िया नंबर, ये भी कैंसिल, ये कितना होगा 55 × 48, मतलब a की वैल्यू अगर 55 है तो d की वैल्यू कितनी होगी 48। तो देख लो भाई कौन कम है, d कम है, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है भाई 7 कम है, तो परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस बराबर 7/55 × 100, 7/55 × 100, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, आंसर आपका आएगा 120/11%, ये आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो 13 सही 7/11% आएगा। नोट करिए, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे ही नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसी टाइप में नंबर मिलेंगे, और एग्जाम बार बार नहीं होता भाई। अब अगली बार एग्जाम जब भी होगा तो आप ऐसा एग्जाम दीजिए कि एग्जाम निकल जाए। एनटीपीसी हुआ, बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, यूपीएसआई आएगी तो बार बार नहीं आएगी, सीएचएसएल का पेपर भी है, हो सकता है ऐसी वैल्यूज आए, कंपटीशन टफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप ट्राई करिए, 36 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं कौन आंसर करता है, जल्दी से ट्राई करिए, कम ऑन फास्ट। देखो अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझना, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज 37.5% लेस देन बी एंड 25% मोर देन सी, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। ए जो है वो बी से 37.5% कम है एंड सी से 25% अधिक है, तो बी सी का कितना परसेंट है, कैसे करेंगे देख लो भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिए, आंसर आए तो कमेंट में करिए जल्दी से। देखो कह रहा है यहां पे दो वैल्यूज हैं, क्या है 37.5%, फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/8 और क्या है 25%, पता है वैल्यू क्या होगी 1/4। पहला जो पार्ट दिया है वो ए और सी, ए और बी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, किसका, ए और बी का रिलेशन, ए और बी का रिलेशन निकाल सकते हैं। ए और बी के रिलेशन में अगर देखें तो ये है 37.5%, क्या है लेस है, हाँ लेस है, लेस है, इसका मतलब अगर बी 8 होगा तो ए कितना होगा, 3 कम कर दो कितना होगा भाई, 5 होगा, ये आई बात क्लियर। अगला जो रिलेशन है, अगला जो रिलेशन है वो ए और सी के रिस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, ए और सी के रेस्पेक्ट में है, और कह रहा है ए जो है वो सी से 25% ज्यादा है, 25% का मतलब है 1/4, मतलब अगर सी 4 होगा तो ए कितना होगा, 5 होगा, तो इनका रेशियो आ गया 5:4। हम क्या करेंगे, हम इनका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने सबसे पहले रेशियो का टॉपिक, यूट्यूब की शुरुआत मैंने की रेशियो से, क्योंकि रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो रेशियो के प्लेलिस्ट पर जाइए, जितने भी वीडियो हैं आप उनको देखिए। ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो देखो ए दोनों में सेम है, ए यहां पे 5 है, यहां भी 5 है, सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5:8:4, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब
क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी का कितना परसेंट है, तो देख लो भाई बी कितना है 8, सी कितना है 4, कितना परसेंट है 8/4 × 100, कट जाएगा 200%, 200% आंसर। बात ध्यान देना, हमसे पूछा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, हमसे पूछा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, इट मींस जो परसेंटेज में आंसर लोगे वो बी अपॉन सी इंटू 100 लोगे, क्योंकि बी का कंपैरिजन सी के रेस्पेक्ट में कर रहा है, इसीलिए हमने 8/4 × 100 किया, ये आया 200%। इस टाइप में आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ऐसे ही नंबर मैं लूंगा, आज के सेशन में हम लोग इसी टाइप के नंबर लेंगे और इन पे प्रैक्टिस करेंगे भाई, हैबिट बना लेंगे ऐसे नंबर के साथ खेलने की, ठीक है ना। आप सब लोग कंफर्ट जोन में रहते हो, बुक के सवाल ए इज 40% मोर देन बी, बी इज 60% लेस देन सी, इस टाइप के क्वेश्चन सब कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नंबर मिल गया तो बहुत कम लोग करेंगे जल्दी से, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है, हैबिट में लाना है, यूज टू होना है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए इज 58/3% मोर देन बी, बी इज 37.5% लेस देन सी, सी इज 20% मोर देन डी, देन फाइंड द ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डी। हिंदी में अगर पढ़ें तो ए बी से 58/1/3% ज्यादा है, बी सी से 37.5% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए को डी का कितना परसेंट मिलेगा या ज्ञात कीजिए। तो देख लो, पहले मैं परसेंटेज वैल्यू लिख लेता हूं, कितना दिया है 58/1/3% ज्यादा है तो एरो ऊपर के साइड कर दिया। अगला 37.5% कम है तो एरो नीचे के साइड कर दिया। अगला 20% ज्यादा है ऊपर के साइड, वैल्यू होगी 1/5, सबको पता है वैल्यू होगी 3/8 पता है, इसकी वैल्यू 58/1/3 अगर नहीं पता है, पहला सेशन देखो, अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो पार्ट वन परसेंटेज का देखो भाई कैसे होगा, देख लो। इसको हम लिख सकते हैं 50% + 8/1/3%, वहां पे बताया है, लेकिन वहां पे लास्ट में मौखिक निकालना सिखाया है। ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/12, यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 7/12। आप अगर चार्ट देखेंगे तो पार्ट टू में जो चार्ट मैंने आपको दिया था, कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे भी ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ गई कितना, 7/12। यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं 7/12, 7/12। अब देखो तीन चार लोग हैं, ए बी सी और डी, चार लोग हैं भाई, चार लोग हैं ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, बात को समझना, ये पहले सवाल की तरह है, जैसे पहला सवाल था यहां पे 12, 8, 5, डी का टोटल, इनका डेनोमिनेटर, मतलब ऐसी वैल्यू लो जो इनको डेनोमिनेटर से कट जाए, 12, 8, 5 का एलसीएम होगा 120, डी की वैल्यू मैंने 120 मान ली। बोलो सही किया क्या गलत, सही किया भाई। सी जो है वो डी से कितना ज्यादा है, सी जो है वो डी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% का मतलब अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, मतलब यहां डायरेक्ट 6/5 × 120 लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि बी जो है वो सी से कम है, कितना कम है, 3/8 कम है, इट मींस 3, 8 में से 3 माइनस करोगे, 5/8 × ये पूरा पार्ट, 6/5 × 120 ये आपको आना चाहिए, ये बी का पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ए जो है वो बी से 58/1/3% अधिक है, 58/1/3% अधिक है, मतलब 12 अगर बी होगा तो 12 में 7 जोड़ दो, ये आपका होगा 19/12 × बी का पार्ट कितना है, 5/8 × 6/5 × 120
ये आपका आएगा ए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, दिख रहा है ना भाई? हाँ, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो कमेंट में कहिए यस सर क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्या है, क्या है हमसे पूछा, क्या है हमसे ए और डी का रिलेशन पूछा है। तो ए और डी का रेशियो लो, ए कितना है, ये है भाई 19/12 इंटू 5/8 इंटू 6/5 इंटू 120, और डी कितना है 120 कट गया, पांच पांच कट गया, छह से कट गया दो बार, ये आ गया 19:16 आ गया। इतनी बात क्लियर है। पूछ रहा है ए इज व्हाट, कह रहा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डी, मतलब परसेंटेज में चाहिए ए अपॉन डी इंटू 100। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डी चाहिए, मतलब ए अपॉन डी इंटू 100। तो ए कितना है देख लो भाई 19, और डी कितना है 16 इंटू क्या होगा 100। आंसर आपका आएगा 1900/16%। ये आपका आंसर है। कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर देना, जैसा आपका मन करे, एग्जाम में जैसा ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैंसिल हुआ होगा तो कैंसिल करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, दिख रहा है ना पूरा क्लियर? हाँ, 19/16 में है। अब देखो करेंगे कैसे, ये तो हो गया। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप ट्राई करिए एक बार। 36 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं कौन करता है, जो करेगा वो आंसर कमेंट करेगा, ठीक है ना भाई? चलिए, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस भाई। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए इज 22 होल 2/9% लेस देन बी एंड 18 होल 2/11% मोर देन सी, देन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। हिंदी में अगर पढ़े तो ए बी से 22 से 2/9% कम है और बी सी से 18 से 2/11% अधिक है, तो बी सी का कितना परसेंट है, क्या परसेंट है, ठीक है भाई? अब देखो क्या है, कैसे करेंगे, बात को समझना। हमें वैल्यू पता है 22 से 2/9% की वैल्यू हमें पता है। क्या होता है इसकी वैल्यू, आप सबको पता है 2/9 होता है, 2/9 होता है, लेस है तो मैंने एरो नीचे कर दी। अगला कह रहा है 18 से 2/11 अपॉन में 11 है तो ये वैल्यू होगी 2/11 की, मोर है तो एरो को मैंने ऊपर कर दिया। अब तीन लोग हैं ए बी सी, तो देख लो ए और बी का रेशियो, पहले वाले से ए और बी का रेशियो आएगा, क्योंकि ए कह रहा है क्वेश्चन में ए जो है वो बी से 22 से 2/9% कम है, मतलब अगर बी 9 होगा तो ये 2 कम हो जाएगा, कितना होगा 7, मतलब ये आया 7:9। अगला कह रहा है बी सी से 18 से 2/11% अधिक है, मतलब रेशियो आ गया बी और सी का, रेशियो आ गया बी और सी का, आ गया बी और सी का, नहीं नहीं इंग्लिश में देखेंगे भाई, इंग्लिश में देखेंगे, सी नहीं है इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, बी को हटा देना, एंड सी से 18 से 2/9, मतलब यहां आएगा ए और सी का रेशियो कितना है 18 से 2/11 का, मतलब 2/11, मतलब अगर ये 11 होगा तो ये कितना होगा 7, ये कितना होगा भाई 9 होगा, क्योंकि सॉरी ग्रेटर है, तो यहां कितना आएगा 13 आएगा, यहां 13 आएगा ना, ज्यादा है, मतलब ये 11 होगा तो 9, 11 और 2 कितना 13। अब देखो इनका कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इनका कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, आप सबको पता है यहां पे ए सेम है, यहां ए सेम है तो यहां भी ए को सेम करेंगे, ये 7 है ये 13 है तो यहां 13 से गुणा, यहां भी 13 से गुणा, यहां 7 से गुणा, यहां 7 से गुणा, अब ये बराबर हो गया, ये हो गया 91, ये हो गया 117 और सी कितना हो गया 77 हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो आंसर आएगा सी इज व्हाट परसेंट, सी अपॉन बी इंटू 100, सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ये कितना आएगा भाई,
ये अब सी कितना है 77, बी कितना है भाई, बी है 117 इंटू क्या होगा 100 होगा, ये आ गया 7700 अपॉन 117, ये आपका आंसर। देखो आंसर बेकार आ रहे हैं क्योंकि मैंने बेकार नंबर लिया है, आपको इन्हीं सब नंबर में यूज टू होना है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कह रहा है इन अ टीम 65% ऑफ स्टूडेंट्स आर मेल, आउट ऑफ टोटल मेल 60% आर लिटरेट एंड 55% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द टाउन आर लिटरेट, टीम नहीं है उसको टाउन कर लेना ठीक है ना, लिटरेट, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेट आउट ऑफ टोटल फीमेल। करें एक टीम में 65% छात्र पुरुष होते हैं, कुल पुरुषों में से 60% साक्षर होते हैं और शहर के कुल छात्रों में से 55% साक्षर हैं मतलब लिटरेट हैं, फिर महिला निरक्षरता कुल महिला का कितना परसेंट है। हिंदी में अब देखो निरक्षरता मतलब इलिटरेट होता है ठीक है ना भाई, हिंदी थोड़ी अलग टाइप की है। अब देखो क्या है टोटल क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर ये 10 का मल्टीपल होगा या इंटीजर्स में होगा तो हम टोटल को मान लेंगे 100। मैंने मान लिया कि टोटल कितने हैं 100 हैं, टीम में या टाउन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100 है। यहां पे कह रहा है क्या कह रहा है भाई, यहां पे कह रहा है मेल है और फीमेल है, मेल और ये फीमेल। अगली लाइन में कह रहा है कि 65% मेल है, 65% अगर मेल हैं तो बचा कितना, बचा कितना, बचा आपका 35% आपका क्या होगा फीमेल होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि कुल पुरुषों में जितने भी मेल स्टूडेंट हैं उनका 60% लिटरेट है, यहां पे लिटरेट और इलिटरेट का हमें पता है, लिटरेट और ये इलिटरेट 60% किसका 65 का 60% पार्ट वन बताया था कैसे निकाला जाएगा, इसका 10% 6.5 पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसका 10% 6.5 डबल करोगे 20% 20% होगा 13, 20 का 3 गुना 60, 13 का 3 गुना 39, यहां आएगा 39% क्या है 39% है लिटरेट, 39% अगर लिटरेट हैं इतनी बात क्लियर है, आप चाहो इसको भी निकाल सकते हो लेकिन हम नहीं निकालेंगे। अगला कह रहा है शहर के कुल छात्रों में 55% छात्र जो हैं वो लिटरेट हैं, तो देखो टोटल यहां फिर से मान लो टोटल मैंने मान लिया टोटल यहां 100 मान लिया, अब कह रहा है लिटरेट कितने हैं दिया है 55% तो इलिटरेट कितने होंगे इलिटरेट कितने होंगे भाई इलिटरेट होंगे 45%। अब हमसे पूछ रहा है फीमेल का बात तो समझना, फीमेल इलिटरेट पूछ रहा है तो देख लो 65 में 39 यहां आ गया तो यहां कितना बचा हम निकाल सकते हैं, कितना बचा 26% अब ऐसे ही फीमेल का भी निकालेंगे लिटरेट और इलिटरेट। फीमेल का कैसे निकालेंगे बात को समझना, हमसे फीमेल का पूछा है इलिटरेट का, तो फीमेल देखो टोटल इलिटरेट कितने हैं 45 और मेल इलिटरेट कितने हैं 26, तो बचा कौन फीमेल का तो 45 में अगर 26 घटा दो तो कितना आएगा भैया, 45 में 26 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 4 इधर जोड़ेंगे 3 19 आएगा 19 आएगा कितना आएगा 19% जो है वो क्या है इलिटरेट है। अगर मैच कराना हो तो 19 और 26 देख लो 45, आप यहां भी निकाल सकते हो, पूछ सकता था आपसे लिटरेट बताओ, अगर लिटरेट पूछता तो 55 में क्या घटाते 39, 55 में 39 घटाते तो कितना आता 16% 16 नहीं आएगा
हाँ 16 ही आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना भाई। आपसे अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल आउट ऑफ टोटल फीमेल। तो परसेंटेज ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल बराबर कितने हैं 19, टोटल फीमेल कितनी है 35, इंटू क्या होगा 100, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से 20 बार, ये कितना आएगा, ये आएगा 380 अपॉन 7%, ये आपका क्या होगा आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल आउट ऑफ टोटल फीमेल, ऐसा भी पूछ सकता था। ऐसा अगर पूछता तब वहां पे हम क्या लेते, 16 लेते, वहां पे हम क्या लेते, 16 लेते। इस टाइप में हम क्वेश्चन को करेंगे, इस टाइप में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसमें कम टाइम लेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, मान लो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हो, एग्जाम में डायरेक्ट दिखा, एग्जाम में डायरेक्ट आप करने लगे तो आपके 2 से 3 मिनट जाएंगे, कर तो लोगे आप, लेकिन आपके 2 से 3 मिनट लॉस होंगे। उस 2 से 3 मिनट में क्या पता अगला बंदा 3 से 4 क्वेश्चन कर ले, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। एग्जाम देखो 1 घंटे का होता है, अगर वही टाइम किसी अदर बंदे को 2 घंटे मिल जाए तो वो सारे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कम टाइम में उन्हीं क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप अगला क्वेश्चन कर लेंगे, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपके पास 36 सेकंड का टाइम है, आप इसको ट्राई करिए, कैसे होगा सॉल्व करेंगे फिर। 36 सेकंड का आपके पास क्या है, टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से, कम ऑन। जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए। देखो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है कि इन अ टाउन 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल एंड 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। इफ 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इलिटरेट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है एक शहर में 60% आबादी पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। यदि कुल जनसंख्या का 35% निरक्षर है तो कुल जनसंख्या में से साक्षर पुरुषों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यहां पे भी उसी टाइप में करेंगे भाई, टोटल मान लो, टोटल मान लो 100, टोटल मैंने मान लिया कितने हैं 100 है। पहली लाइन में कह रहा है 60% मेल है, 60% क्या है मेल है, तो मेल और यहां फीमेल, मेल आपके हैं 60%, तो फीमेल कितनी बची 40%, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगली लाइन में कह रहा है 60% फीमेल जो है वो लिटरेट है, लिटरेट है, यहां पे लिटरेट और इलिटरेट, कितना लिटरेट है 60%, तो 40 का 60% कितना होगा 24 होगा, यहां बचा कितना 16 बचा। नेक्स्ट में कह रहा है यदि कुल जनसंख्या का 35%, तो देख लो टोटल मान लो 100 है 35% आपका क्या है 35% इलिटरेट, इलिटरेट कितना है 35% अगर इलिटरेट है तो भैया बताओ लिटरेट कितने बचे, लिटरेट कितने बचे, आप कहोगे सर 65 बचे, लिटरेट कितने बचे 65 बचे। हमसे पूछ रहा है मेल का, मेल में लिटरेट पूछ रहा है, मेल का लिटरेट, तो देखो टोटल लिटरेट कितने हैं 65 और फीमेल में कितने हैं 24, तो बचा हुआ हम इसमें से माइनस करके ये और ये माइनस करेंगे तो मेल का आएगा, माइनस करेंगे तो मेल का आएगा भाई, 65 में 24 घटाओगे कितना आएगा 41 आएगा कि नहीं भाई 41 आएगा, ये कितना आएगा 41, यहां पे मैं लिखता हूं 41, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि जो साक्षर पुरुषों का कितना परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन का
टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो देख लो कितना है, 41% आंसर। लिटरेट मेल पूछा था, लिटरेट मेल पूछा था आपसे, ये भी पूछ सकता था फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल आउट ऑफ टोटल मेल, आउट ऑफ टोटल मेल ऐसा भी आपसे पूछ सकता था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखो ये सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है, अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने लिया पॉपुलेशन वाले उनमें नंबर अच्छे थे, मतलब आप 100 मान सकते थे, अब मैंने नंबर बदल दिया, मैंने नंबर बदल दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ता हूं, हिंदी में ही पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप पढ़ लेना। एक शहर में 55.9% जनसंख्या पुरुष है, कुल महिलाओं में से 62% साक्षर मतलब लिटरेट है, और कुल जनसंख्या का 66.3% लिटरेट हैं। शहर की कुल जनसंख्या में से इलिटरेट पुरुषों का परसेंट ज्ञात कीजिए। और इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है, यदि 60 महिलाएं इलिटरेट हैं तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लो भाई कैसे होगा, यहां पे अब टोटल 100 नहीं मानेंगे, बात को समझना, टोटल हम 100 नहीं मानेंगे, हमें परसेंटेज दिया है ना, 55.5/9% इसकी वैल्यू होती है 5/9। तो यहां पे टोटल मैं क्या मानूं, क्या मानूं, टोटल मैंने 9 मान लिया, टोटल मैंने 9 मान लिया। कोई गलत किया, बोलो नो सर, कोई गलत नहीं किया, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, टोटल 9 मान लिया। अब कह रहा है कि 5/9 जो है वो आपके कौन है, मेल है, मेल है, मतलब 9 में से 5 मेल हैं, तो फीमेल कितने बचे, 4। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, सही है भाई, ये आ गया। अगली लाइन में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कुल महिलाओं में से 62% साक्षर हैं, इसमें हमें लिटरेट और इलिटरेट 62% क्या है, 62% लिटरेट है, 62% आपको पता होगा, 62% की वैल्यू 12×5 5/8, मतलब अगर ये 8 है तो यहां 5 आएगा, लेकिन यहां 8 नहीं है, 8 होता तो काम बहुत अच्छा होता, तो 8 करने के लिए मैंने अपने से 2 से गुणा कर दिया, तो यहां 5 आ गया, यहां 3 हो गया। अगर अपने से 2 से यहां गुणा किया तो यहां भी 2 से गुणा करेंगे, यहां भी कितने से गुणा, 2 से गुणा करेंगे। 8 बनाने के लिए 8 बनेगा आसान होगा, 8 जरूरी नहीं है 8 बनाओ, तब इसका क्या करते, 4×5/8 करते, दशमलव में आता बेकार लगता, दशमलव जहां आ जाता है बेकार लगता है ना भाई, बेकार भी लगता, कैलकुलेशन बढ़ भी जाती। चलो इतना तो सही है। अगली लाइन में कह रहा है, अगली लाइन क्या, अगली लाइन अगर पढ़े तो कह रहा है कुल जनसंख्या का 62.2/3% साक्षर है, तो टोटल 62.2/3% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2/3। अगर टोटल 3 होता तो उसमें लिटरेट और इलिटरेट निकाल लेते, तब उसमें आता 2 और ये होता 1। हाँ साक्षर है मतलब 2/3, मतलब 3 अगर टोटल है तो 2 क्या है लिटरेट और 1 क्या है इलिटरेट है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए भाई, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहां देखें तो हमारा टोटल कितना है 18 और यहां टोटल कितना है 3, दोनों टोटल बराबर होने चाहिए, यहां 18 है तो यहां भी 18 कर दो, 3 6 से गुणा, यहां भी 6 से गुणा, यहां भी 6 से गुणा, क्लियर है, हमसे पूछा है। अब देखो क्या है, ये इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा मेल पे, मेल पे अगर आए तो मेल का लिटरेट और इलिटरेट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे भाई, देख लो टोटल लिटरेट कितने हैं, टोटल लिटरेट है 12, टोटल लिटरेट है 12 और यहां कितना आया 5, तो बचा कितना 7, टोटल इलिटरेट कितना है 6, यहां कितना आया 3, तो बचा कितना 3, क्योंकि टोटल लिटरेट 3 है। अब आप मैच भी करा सकते हो, देख लो जोड़ दो 8, मैच करा सकते हो ना, 3 3 6 7 5 12 12 6 18, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ए में पूछ रहा है
परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितने हैं, 7 परसेंटेज पूछ रहा है, तो 7 हैं, 7 अपॉन क्या होगा 18 इंटू क्या करोगे 100, 7 अपॉन 18 इंटू 100, 7 अपॉन 18 इंटू 100, कहीं गलत हुआ है क्या, कहीं गलत हुआ है क्या, पूछ रहा है क्वेश्चन इलिटरेट, सॉरी इलिटरेट पूछ रहा है, इलिटरेट पूछ रहा है, तो इलिटरेट कितने हैं 3 हैं, तो ये आएगा 3 अपॉन 18 इंटू 100 कट गया 6 बार, आंसर आएगा 16 सही 2/3%, ये आंसर बी वाले में पूछ रहा है। बी वाले में क्या कह रहा है भाई, बी वाले में कह रहा है 60 महिलाएं अगर इलिटरेट हैं, 60 महिलाएं अगर इलिटरेट हैं तो टोटल पॉपुलेशन बताओ, इलिटरेट यहां कितनी है 3, तो हमें पता है 3 यूनिट की वैल्यू 60, तो बोलो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20, और टोटल हमने कितना माना है, टोटल टोटल कितना माना है 18, 18 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 18 यूनिट की वैल्यू होगी 360, 360 इज द राइट आंसर, दिख रहा है ना, 360 इज द राइट आंसर, इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है ना, तब मैं और बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता यार, सब्सक्राइब करने मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नए नए सवाल बनाऊंगा, ऐसे ही नंबर अदर क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करूंगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे, थैंक यू क्लास।